गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो खत्म होता है देख के आपका, वीडियो होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे आपको मैथमेटिक्स की फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ लो यार, की नोट समझ लो या फॉर्मूला शीट समझ लो, वो आपको वहां पे लेना है डाउनलोड करके, ठीक है। क्या होता है ना उससे कि रैपिड रिविजन आपको हो जाता है कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से आपके पास वो मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। सो वो जेई मेंस लेवल का है, पर जेई मेंस लेवल का मैथमेटिक्स या बोलो या सीईटी लेवल का मैथमेटिक्स बोलो, फॉर्मूला तो एक ही होने वाले है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही होने वाले है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। सो वीडियो की तरफ चलते हैं। हे गाइज आशियर, सो गाइज जो आज का वीडियो होगा, ये वीडियो होगा ये बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि इसमें हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हमने फिजिक्स के ऊपर बात कर ली, केमिस्ट्री के ऊपर बात कर ली, पर हमने मैथमेटिक्स नहीं देखा था, मतलब एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में ऐसा क्या करना चाहिए। जैसे कि आपका क्या हो ना कि जो अभी 10 दिन बचे हैं उसमें एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना चाहिए, किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका जो रैंक है, मार्क्स है, वो बूस्ट हो जाए, ठीक है। सो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सो जो मैथमेटिक्स है ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मुझे तो बहुत मजा आएगा इस पे बात करने में, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली यार मैं जो चैप्टर्स बोलूंगा उसमें से कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे मैं पिक करूंगा, मतलब मैं चैप्टर तो बोलूंगा ही, उसके साथ में कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे बताऊंगा कि यार किस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जो पीसीबी का पेपर हुआ है 1 अक्टूबर को, कल दोनों शिफ्ट में यार मैंने जो भी टॉपिक बोले थे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसी से क्वेश्चन आए थे, तो होपफुली यार जो मैथमेटिक्स के बोलूंगा वो भी आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट चैप्टर इज मैंने रखा है, दैट इज द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो इसमें जो मैंने टॉपिक यहाँ पे पिक किए हैं वो है, इट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की जो ट्रिक है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है चैनल पे, ठीक है, यहां से यार चौथा या पांचवा वीडियो होगा, ठीक है, जाके देख सकते हो। 3x3 मैट्रिक्स का और 2x2 का भी हमने डिस्कस कर लिया है वैसे, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड वन इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, आप समझ सकते हो मतलब रोज और कॉलम्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है, वो भी आ सकता है, ठीक है। मतलब वो एग्जैक्टली नहीं बोलेगा यार कि ये आपको 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और इसका यार ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करो और आंसर बताओ, इतना सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करो और उसका फिर इनवर्स निकालो, मतलब एप्लीकेशन थोड़ा आ जाता है बीच में, ठीक है। सो आपको ये तीन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में करने हैं, जो कि है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट या इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार, चार चार पांच पांच मैट्रिक्स लेके देख लो, ठीक है। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो जो सेकंड मैंने चैप्टर लिया है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यार जिनके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ना मैं उनको यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट मैंने रखा है दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज द जनरल सॉल्यूशन। अभी ये जो दो टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये थोड़े हॉट टॉपिक बन जाते हैं, ठीक है, एमएसटी सीईटी के लिए। आप कौन सा भी जो प्रीवियस ईयर की जो 10 पेपर है देख सकते हो मैथमेटिक्स के, उसमें यार प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बनता ही है, मतलब कंपलसरी इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, और या बहुत सारे यार शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और द जनरल सॉल्यूशन इज द आर द मेन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो थर्ड मैंने टॉपिक लिया है इसमें, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, जितने भी फॉर्मूलाज है इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री के, यार वो अच्छे से देख लेना, अच्छे से मगअप होने जरूरी है, ठीक है। सो जो फोर्थ टॉपिक लिया है मैंने, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल। अभी जो ट्रायंगल है ना उसके जो एप्लीकेशन है और इसी के साथ साथ जो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल से, यार वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और द प्रोजेक्शन रूल। अभी साइन रूल का, कोसाइन रूल का और प्रोजेक्शन रूल के कुछ फॉर्मूलाज है, वो समरी में जाके आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में, ठीक है। सो ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स बताए एक बार और फिर से बताता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, देन सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल्स एंड द साइन रूल, कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर होगा, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो इसमें जो टॉपिक होंगे यार इंपॉर्टेंट, वो होंगे दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। मैंने जो
एक वीडियो बनाया था मैथमेटिक्स के ऊपर, उसमें मैंने बात की थी रेट मेजर का जो कॉन्सेप्ट है एओडी का, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है। सो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, फिर अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशंस पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है। फिर रोल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रोल्स थ्योरम के साथ साथ यार अगर सिलेबस में उसे के अगला टॉपिक होगा यार एलएमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग फंक्शंस, एंड लास्ट वन इज द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। आपको पता ही होगा यार ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और जो सेकंड लेट इज मैक्सिमा मिनिमा, इसका श्योरली क्वेश्चन आता है, मतलब श्योर क्वेश्चन आता है इसका ठीक है। सो ये एओडी है, मैं अभी यहाँ पे जो पांच छह टॉपिक बताए इसमें से यार दो तीन सवाल आते हैं ठीक है। दैट इज फिर से बता दो, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, फिर अप्रोक्सीमेशंस, रोल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो लास्ट में एडिशनल बता रहा हूँ एलएमवीटी दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर सिलेबस में हो बुक में हो बोर्ड के तो कर लेना ठीक है। सो कुछ अभी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यार, ये हमने तो डिस्कस कर लिया कि ये चैप्टर थे और उसमें से ये टॉपिक करने थे, बट यहाँ पे यार ऐसे कुछ चैप्टर है जो कि आपको पूरे करने होंगे ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज द मैथमेटिकल लॉजिक है यार, कुछ चार पांच पेजेस का ये कुछ चैप्टर है, और ये बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है। एक सवाल आता है शायद इसका, एक सवाल श्योर आता है और बहुत आसान आता है, अगर थोड़ा भी उस चैप्टर के बारे में पता होता है तो वो सॉल्व हो जाता है ठीक है। सो मैथमेटिकल लॉजिक इज द फर्स्ट वन। जो सेकंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी कुछ दो या तीन पेज का चैप्टर है यार, कर लेना। अब इसमें से भी मैं कौन से यार टॉपिक पिक करके दो आप ही बताओ ठीक है। सो यार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे से फॉर्मूलाज कर लेना, सोल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना ठीक है। फिर थ्री डी ज्योमेट्री, लाइन एंड द प्लेन, ये कॉन्सिक्यूटिव यार तीन चैप्टर है बुक में, फर्स्ट पार्ट में 12th के, ये तीनों यार दो दो तीन तीन पेज के चैप्टर है, कर लेना। और इसमें से यार ये जो 3D ज्योमेट्री है, लाइन है, प्लेन है, ये तीन चैप्टर में से ही आपको यार तीन चार सवाल मिल जाते हैं और बहुत आसान होते हैं ठीक है, तो कर लेना ठीक। वेक्टर्स, फिर और एक चैप्टर वेक्टर्स, उसी के यार अगल बगल ये चैप्टर है ठीक है। सो वेक्टर्स एट द लास्ट, और फर्स्ट पार्ट का यार लास्ट चैप्टर है एलपीपी, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ठीक है। सो एलपीपी इसमें से एक सवाल आता है, ये थोड़ा करने में दिक्कत हो सकती है बट स्टिल ये हो सकता है ठीक है। सो आप अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, कॉन्सेप्ट पता हो, तो हो जाता है क्वेश्चन ठीक है। फिर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी थोड़ा बड़ा है जानता हूं ठीक है, बट कैसा होता है ना कंटिन्यूटी का, ऐसे सवाल आते हैं जो कि बनते हैं ठीक है। और बेसिकली यार मैंने देखा है कि ऑप्शन में कंटिन्यूटी के जो कंटिन्यूटी का सवाल बनता है उसमें से ऑप्शन में अगर एक वन ये अगर आंसर हो ना तो ये बहुत बार यार ये सही होता है ठीक है। अगर ऑप्शंस में वन ये आंसर है तो ठीक है, ऐसा मत करो बट मैं एक बता रहा हूं ठीक है। फिर कंटिन्यूटी आपको क्या करना है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले देख लेना ठीक है जो भी है, और जितने भी फॉर्मूलाज है ना समरी में जितनी फॉर्मूलाज गिवन है वो अच्छे से देख लेना ठीक है। और फिर बात करते हैं डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन का आप मुझे बोलोगे यार इसमें से यार ऐसे चैप्टर बताओ, इसमें से ऐसे टॉपिक्स बताओ जो कि यार बहुत आसान है करने में ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता यार। डिफरेंशिएशन आपको बताएं कि ये चैप्टर मैं तो मानता हूँ यार कि कोई दिक्कत नहीं होती, एक दो घंटे में हो जाता है ये चैप्टर ठीक है। सो बड़ा है, थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर करने में, बोर्ड बुक में मैंने देखा है, बट कर लोगे यार। क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट देखना है, फर्स्टली कॉन्सेप्ट देखना है, फिर जो सॉल्व एग्जाम्पल से वो देखना है, और फिर एक्सरसाइज में जाके सारे सवाल नहीं लगाने हैं इस टाइम में 10 दिन में आकर के, आपको खाली यार दो तीन जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो करके देखो, नहीं तो लास्ट के दो तीन करके देख लो ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक ठीक है। फिर मैं लेता हूँ यार इंटीग्रेशन ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी ये चैप्टर साहब डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये हॉट चैप्टर समझ लो, नहीं तो बोल सकते हो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे फॉर द एमएसटी सीट इस साल ठीक है। सो फर्स्ट इज द इंटीग्रेशन यार, हर साल ये मैं आगे ही बोलूंगा यार, और सारे सीनियर्स भी, सारे मेंटर्स भी, सारे टीचर भी यही बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ठीक है। फर्स्टली एमएसटी सीट कभी भी मैथमेटिक्स उठा लो, इंटीग्रेशन के तीन या चार सवाल आते हैं, और ऐसे आते हैं यार कि ठीक है यार दिक्कत हो जाती है यार, किसी किसी को इंटीग्रेशन कते ही समझ नहीं आता, बट ठीक है यार आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चार में से यार दो भी सवाल बन जाते हैं इंटीग्रेशन के तो ठीक है ठीक है। सो इंटीग्रेशन के तीन चार सवाल आएंगे, और इसमें से जो मैं टॉपिक एक पिक कर रहा हूँ दैट इज एरिया अंडर द कर्व, अभी ये जो टॉपिक है इसका जो सवाल आएगा श्योर श्योरिटी से आएगा, 100% आएगा ठीक है, तो कर लेना।
हो जाने लायक ये सवाल होता है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, माय फेवरेट टॉपिक, माय फेवरेट चैप्टर, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसका कैसा है ना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत हार्ड चैप्टर है, बट इसका कैसा है ना, इसके जो तीन चार टाइप्स है, ठीक है, दिस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसे तीन चार टॉपिक है, इसी से बेस सवाल मिल जाते हैं आराम से। तो आपको ये करना है, टॉपिक बाय टॉपिक जाना है, पहले लिनियर क्या है समझ लो, फिर होमोजीनियस समझ लो, और फिर जो भी है उसको ढंग से समझ के सॉल्व एग्जाम्पल देख के हो जाता है, ठीक है। और जैसे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स गिवन है ना, उससे सिमिलर टाइप के आपको सवाल दिख जाते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एट द एंड में यहाँ पे दो चैप्टर से आप कंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कैसा था ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे भी ये दो चैप्टर थोड़े हार्ड लगते थे, मतलब मुझसे नहीं होते थे ये चैप्टर, ठीक है, बट हो सकते हैं यार, ठीक है, आपसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा हो ये दोनों चैप्टर तो कर लेना, अगर नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं टच किया है, तो मत करना, छोड़ दो, ठीक है। अगर हो सकता है तो कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना घंटा दिन का पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये पूरे मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात हो गई है, मतलब अभी जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें से अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स हो जो आपने आज तक उसको टच भी नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब क्या होगा ना कि इसी चक्कर में आप एक नया चैप्टर, सपोज आपने डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में से करना चाहिए, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन है, आज तक नहीं पढ़ा है कभी भी, आपने उठा लिया और उसमें यार 2 या 3 दिन गवा दिए चैप्टर पढ़ने में पूरा, इससे अच्छा यार कुछ आसान चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स उठा लेते, वो हो जाता, नहीं तो स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ के रिवाइज होके इसके प्रॉब्लम सॉल्व प्रीवियस ईयर के भी हो जाते, ठीक है। सो आपको उसी पे फोकस करना है यार, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें बेटर फील करते हो, ठीक है। सो ये मैथमेटिक्स की बात हो गई यार, अभी मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे है इसके बारे में कुछ बात करता हूँ मैं। सो मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता यार, मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। अभी कैसे होता है ना कि मैंने देखा है यार कि बोर्ड का उठाते हैं बच्चे और सीधा कॉन्सेप्ट देख के सॉल्व एग्जाम्पल देख के खत्म करते हैं, ऐसा नहीं होता यार, पेन चलाना पड़ता है आपको फाइनल एग्जाम में जाके, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे यार कंप्यूटर पे, तो आपको तो वहां पे पेन चलाना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या कर सकते हो, अभी रिवीजन टाइम है, वैसे भी 10 दिन बचे, रिवीजन टाइम है, यहाँ पे आप कुछ नए टॉपिक्स तो नहीं पढ़ सकते हो, जो भी हुआ है उसी को रिवाइज करना है। तो आपको करना कैसे, तो सपोज आपने एक टॉपिक उठा लिया, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया, उसमें आपने फर्स्ट टॉपिक उठाया सपोज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले देख लिया उसका कॉन्सेप्ट, देख लिया ऊपर ऊपर देख लिया, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट ढंग से डेफिनेशन भी पढ़ लिया, सब देख लिया, ठीक है, बुक में। फिर सॉल्व एग्जाम्पल जो तीन चार गिवन है ना उसके आगे, कॉन्सेप्ट के आगे, वो ढंग से देख लेना कि यार ये क्वेश्चन कैसे किया है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो आपको देखने के बाद जब एक्सरसाइज पे जाओगे ना, एक्सरसाइज जो अनसॉल्व होगी, उसमें से फर्स्ट दो यहाँ पे क्वेश्चन उठाओगे, पेन पेपर लोगे और सॉल्व करने का ट्राई करोगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट दो ही, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट दो ही। अगर वो दो बन जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन स्किप करके उसी एक्सरसाइज के जो लास्ट के दो क्वेश्चन होंगे वो करने हैं, ठीक है। सो ये चार क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे अच्छे से, ढंग से समझ लो कि यार कैसे हुआ है उस एक्सरसाइज में, तो वो आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फॉर द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आगे टॉपिक पे आप चले जाओगे। सो इस तरह जाना, इससे क्या होगा कि आपकी जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा भी यार कि हाँ हो रहा है मुझसे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इस तरह आपको आगे बढ़ना है। तो ये तो बात होगी यार मैथमेटिक्स की, होपफुली यार आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी टॉपिक चाहिए हो, जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हो यार, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। सो आपको बस पढ़ते रहना है, मैं और आपका टाइम नहीं लूंगा। और 10 दिन का जो प्लान होगा, जो 10 दिन लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या क्या करना है, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, उसी पे स्पेशल वीडियो एक बनेगा, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, अच्छा खाना खाना है और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। सो स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।